अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल उम्मीद है सब ठीक होंगे अपनी लाइफ के कह रहे होंगे। तो दोस्तों अभी सीन कुछ नहीं है कि आज रात को हम चलेंगे ड्राई फ्रूट वाली शॉप पे। तो ड्राई फ्रूट वाली जो शॉप है वो है टीटी रोड के बिल्कुल बीचों बीच। तो आज आपको रोड का और जिधर है वो जगह वो सारी आपको दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा सा सुजैन को हमने केक वगैरह डालने पानी डालती है, थोड़ा से दरख्तों को वगैरह को देखती है, आसमान को देखती है तो खुश हो जाती है। तो आए दोस्तों आपको कबूतर दिखाते हैं। तो कबूतर जो है वो एक कबूतरी जो है उसने तीसरी बार जो अंडे दिए उसमें माशाल्लाह से बैठ गई है। अब बैठ के पहले तो अंडे देती थी और बैठती ही नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से बैठी हुई है। और अब टोटल के टोटल 8 दिन रह गए और बच्चों निकलने में। तो जैसे ही निकलेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे वो बच्चों। ताला वगैरह खोल दिए, अब अंदर चलते हैं और आपको कबूतर दिखाते हैं। ये माशाल्लाह लक्का कबूतर है, तो ये बहुत खूबसूरत नर है जिसकी मादी है। तो वो ये यहाँ पर बैठी हुई है। इस नवाबजादी के लिए हमने ये पेटी तैयार की थी, अंदर घास वगैरह सब तैयार की थी, लेकिन इसको ये जगह पसंद ही नहीं आई। तो ये नवाबजादी इधर ही अंडे दिए और इधर ही बैठी हुई है। चलो बैठी रहो यार, बच्चे निकाल के दे रहे, ठीक है। अब पता नहीं यार बच्चे इस पे जाएंगे या उस पे जाएंगे। तो है ये हिले हुए हैं कबूतर, तो अभी आपको बाहर निकाल के भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है वो नर, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इसकी मादी अंदर है। तो वो तो मतलब अंदर ही बैठी हुई है अभी तक अंडों में। अंडों में तो मैंने उठा सकता हूँ कि फिर अंडों से उठा लिया तो वो तंग हो गए ऐसे। तो बस अभी इसको निकाला है। ये जो कबूतर है और कबूतर ये मेरा छोटा भाई है, वो लाया था अपने घर तो मेरे मामू से। तो बच्चे लाए थे छोटे छोटे, अभी खा पी भी नहीं सकते थे, तो उसने वगैरह वगैरह बहुत रिश्ते किए उनके साथ। और सिरिंज लेकर आता था, सिरिंज से उसके मुंह खोलता था, फिर सारे को डालता था। उस तरह माशाल्लाह से उसके साथ बहुत आते रही है। तो उसकी वजह से हम सारे घर वालों के साथ नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ बहुत आते रहे। तो अभी नर को भी अंदर छोड़ते हैं और मादी जो अंडों में बैठी हुई है ना उसको हम नहीं छेड़ते, थोड़ा सा अंदर ही उठा देते हैं, ठीक है। चले यार, तो ये जी दोस्तों, ये जो ड्राई फ्रूट की वाली जो शॉप है ये टीटी रोड के बिल्कुल बीचों बीच है। देखिए दोस्तों ड्राई फ्रूट वाली की दुकान पे हम आ गए हैं, आपको अंदर का सारा दिखा देते हैं। तो ये यार सारों की मुख्तलिफ रेट हैं, आपको सारा कुछ दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये दाल वगैरह आ गई है, निमको वगैरह आ गए हैं, गुड़ वगैरह आ गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके मुख्तलिफ रेट हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। अमेरिका ने अवकाश आया, अवकाश रेमिटेंस और अकेले गिरे
यार ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अब सुबह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, हमने रात को ये वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आपको ये ड्राई फ्रूट्स वाली जो शॉप है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जिसको नहीं भी अच्छी लगी होगी तो कोई बात नहीं, खैर है, हम अगला ब्लॉग बनाएंगे तो उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छा लगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर, आप कमेंट करके लाजमी बताना कि नेक्स्ट ब्लॉग पर हम कहाँ पर जाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक से, अल्लाह हाफिज़।